नमस्कार, आप मैसेंजर पर चैट हाइट का प्रयोग करते हैं तो आज हमको बता रहे हैं कि आप व्हाट्सएप में पर भी चैट हाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इस सेकंड जो मोबाइल है, जो फर्स्ट मोबाइल है, इस पर हम कोई मैसेज भेजते हैं। हाय, तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। तो इस सेम आपका जो मैसेंजर है उस तरह से भी आपका व्हाट्सएप काम करना चालू कर देगा। इसमें एक चीज़ और देखिए, जैसा हम इस व्हाट्सएप को हम ओपन किए, मैसेज को ओपन किए, मगर ये जो सेकंड मोबाइल पे जो जिस मोबाइल से हमने हाय भेजा था वहाँ पर जो रीड का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब हम इस ऐप, इस फंक्शन से, मतलब इस चैट हाइट से अगर मैसेज को पढ़ भी लेते हैं तो जो सेकंड मोबाइल है, इस मोबाइल पर जो डबल राइट का जो निशान है वो नीला नहीं हो पाएगा। तो इससे अगला ये समझ नहीं पाएगा कि अगला हमारे द्वारा जो मैसेज भेजा गया उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसी तरह से हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसको अगला मैसेज भेज सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए ये आ चुका है और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैसेंजर की तरह से चैट हाइट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस नाम से डाउनलोड करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट चैट, डायरेक्ट, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट चैट और इसको ओके किए। ओके करने के बाद ये इस टाइप में जो लोगो आएगा आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रख लिया है। तो चलिए पहले इसका सेटिंग में चलते हैं। तो पहले हम बैक में चलते हैं। बैक जाने के बाद तो ये देखिए, ये है डायरेक्ट चैट, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अनेबल नोटिफिकेशन है, इसको ओके करना पड़ेगा। ओके होने करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन एक्सेस। यहाँ पे जो डायरेक्ट चैट लिखा हुआ है यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से अलाउ करेंगे। अब बैक चलते हैं। अब बैक में आने के बाद जो गेट स्टार्ट लिखा हुआ है इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसको ओके करते जाएंगे और यहाँ पे ओके कर दिए और फिर वह बैक करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर जो एफ लिखा है, ये जो टूल्स का निशान है, इसको ऑन करेंगे। ओके किए। ओके करने के बाद तो यहाँ पे देखिए आपका व्हाट्सएप ये अनेबल हो चुका है। अगर आप स्काइप यूज करते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे। यह है लाइट मैसेंजर। तो मैं मैसेंजर लाइट का यूज करता हूँ। तो मैसेंजर लाइट में चैट हाइट का ऑप्शन नहीं आता, तो इसको अगर यूज करना है तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लाइट मैसेंजर नहीं चलाते हैं तो आप में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप बड़ा वाला मैसेंजर चलाते हैं तो उसमें इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा जो मैसेंजर है उसमें ये ऑप्शन पहले से ही रहता है। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज को भी चैट हाइट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर में जाएंगे और यहाँ पे जो शो सिस्टम ऐप है इसको ओके कर लेंगे। यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ओके होने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज है, जो मैसेज वाला ऑप्शन में जाएंगे। तो ये देखिए,
ये है मैसेज जो आपके इनबॉक्स में जो मैसेज है उसमें उसको उसको अगर चैट हाइट के रूप में यूज करना चाहते हैं इसको आप ऑन कर लेंगे और बैक आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ही आ गया। अगर आपकी को चैट हाइट के रूप में इसको यूज नहीं कर सकता तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और चैट हाइट के रूप में हेड्स के रूप में अगर इसको ऑन करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अनेबल हो जाएगा। धन्यवाद।